हेलो फ्रेंड्स, खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये चोली बनाकर लेके आई हूँ। देखिए इसका लुक कितना प्यारा इसका लुक आया है, और देखिए इसका ये पैटर्न, ये हमारा पैटर्न भी बहुत ही प्यारा बनकर आया है। और ये बनाना बहुत ही आसान है, इसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी। और फिर इसके सेकंड वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर घेरा बनाना सिखाऊंगी, और थर्ड वीडियो में मैं इसके ऊपर जैकेट बनाकर दिखाऊंगी कि वो जैकेट हम इस पर किस तरह से बनाएंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये पसंद आएगी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम 126 चेन लेंगे इस तरह से। एक ये हमारी फर्स्ट है, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए इस तरह से बनाते हुए हम 126 चेन बना लेते हैं। ये देखिए 126 हमारी चेन बन चुकी है। और अब हम इसके ऊपर 3 चेन स्किप करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 3 चेन स्किप करेंगे, और फोर्थ चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 2 बन गए, 1 हमारी 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया, ये 2 बन गए, 3, 4, 5, 6। देखिए ये 6 हमने बना लिया है। धागा लेंगे, एक और बनाएंगे, तो ये हमारे टोटल 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब हम यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे, और 1 चेन की हम स्किप करेंगे, और सेकंड चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 चेन स्किप करेंगे, और नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 चेन लेंगे, नीचे से नेक्स्ट 1 चेन स्किप करेंगे, और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम राउंड ये कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर देखिए, देखिए इस तरह से हम राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए लास्ट में भी हम यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अब हम इसके सेकेंड रो में हैं। सेकेंड में देखिए हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसे टर्न करेंगे। ये हमने 7 डबल क्रोशिया बनाया था, तो इसके ऊपर हम 7 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। ये 3, 4, 5, 6, 7, तो हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम यहाँ पर देखिए 1 चेन बनाएंगे, और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये जो हमारा स्पेस बचा हुआ है, सॉरी 1 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, फिर से 1 चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया, फिर से 1 चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से ये बनाते हुए हम रो कंप्लीट करेंगे। देखिए ये सेकंड राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट होने के बाद देखिए कुछ इस तरह से बना है। अब हम इस पर देखिए ये जितने भी हमारे डबल क्रोशिया हैं इन्हें हम काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
भाग में डिवाइड करेंगे। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर हम, देखिए इसे हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर फर्स्ट मार्कर हम यहाँ पर लगाएंगे,
यहाँ पर और 14 ही हम यहाँ पर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर। देखिए इस तरह से, सॉरी ये उल्टा लगा दिया। और ये देखिए सेंटर में ये इस तरह से हमने लगा लिया है, और देखिए इस तरह हम यहाँ पर इसे फोल्ड करेंगे, तो देखिए इस तरह से हमारी ये चोली बनेगी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 28 बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 टोटल हमारे पास ये 28 बचे हैं। तो अब हम इनके ऊपर पैटर्न बनाएंगे, जो ये हमारे पास 14 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर हम 14 डबल क्रोशिया बनाकर यहाँ तक अपना पैटर्न लेके आते हैं। देखिए ये 14 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये देखिए 14, 14 हमने बना लिया है। ये 15वां डबल क्रोशिया है हमारा। यहाँ पर देखिए एक हमने डबल क्रोशिया बनाया चेन के ऊपर, और अब हम यहाँ पर सेंटर में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया एक और बनाया, तो ये 2 हमने बना लिए हैं। अब फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, देखिए कुछ इस तरह से बनेगा हमारा, ये हमारा सेंटर है। अब हम फिर से इसी तरह जैसे हमने ये पहले बनाया था सेम वैसे ही हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 1 चेन की गैपिंग लेंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन 1 डबल क्रोशिया, तो इस तरह से रो कंप्लीट करेंगे। देखिए ये राउंड हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखिए यहाँ तक ये जो हमने बनाया है यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाया था, तो हम यहाँ से एक देखिए एक बॉक्स पहले हम यहाँ तक बना लेते हैं, इसे सिंपल ऐसे ही 1 चेन 1 डबल क्रोशिया 1 चेन 1 डबल क्रोशिया बना लेते हैं यहाँ तक। देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है, अब हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये एक बार हमने बना लिया, एक हमारा डबल क्रोशिया के ऊपर था, एक हमने बनाया धागा लिया एक और बनाया, देखिए ये 2 डबल क्रोशिया हमने बनाया, धागा लेंगे और ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाई धागा लेंगे और ये देखिए ये डबल क्रोशिया है हमारा ये वाला, इसके ऊपर हमने ये बनाया था और इसके ऊपर हमने ये बनाया था, तो इसके ऊपर ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए फिर से 1 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया, सॉरी यहाँ पर चेन नहीं लेंगे, यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया तो 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम वैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए ये पैटर्न की हमारी इस तरह से स्टार्टिंग हुई है, ये हमने 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर बीच में हमने 2 डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया बन गए। यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई है और फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, सेंटर में 1 चेन के सेंटर में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, तो इस तरह से बनाया है। और आगे हम सेम वैसे ही बनाएंगे, 1 चेन 1 डबल क्रोशिया, राउंड कंप्लीट करें। देखिए ये हमारा फोर्थ राउंड भी कंप्लीट हो चुका है, अब हम फिफ्थ राउंड में हैं और राइट साइड है ये हमारी, इसमें हम देखिए 1 चेन बनाएंगे, मैंने ये बटन पट्टी बना ली थी, अब हम 1 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन 1 डबल क्रोशिया, तो ये देखिए 1 2 3, फिर से
ये हमारे बन गए 4, 5, 6 और 1 ये 7। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमने 7 बॉक्स बनाए हैं। तो इस यहाँ पर देखिए हमने 7 यहाँ पर बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 टाइम। ये 2 टाइम हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब धागा लेंगे और नेक्स्ट ये डबल क्रोशिया है हमारा, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर आगे यहाँ पर 1 चेन 1 डबल क्रोशिया 1 चेन 1 डबल क्रोशिया फिर से 1 चेन 1 डबल क्रोशिया। तो देखिए ये हमारे फ्रंट के पार्ट में हमारा ये पैटर्न अब स्टार्ट हुआ है। तो अब हम इसे देखें, ये यहाँ पर हमने ये 2 बार ये बनाए थे 4 डबल क्रोशिया। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। 5 हमने ये छोड़ दिए यहाँ पर। तो हम 5 ये बॉक्स से पहले यहाँ पर यहाँ तक देखिए ये 6 है हमारा, 6 का डबल क्रोशिया है और इसके सेंटर में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये मैं 10 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। देखिए अब हम यहाँ पर आ गए हैं, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 हमारे ये बॉक्स बचे हैं। अब हम यहाँ पर इससे पहले वाले पर हमने ये बनाया, तो यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया। अब हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये इस लाइन में हमारा ये सेकंड पैटर्न स्टार्ट हुआ है। देखिए फिर 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया, फिर से 1 चेन 1 डबल क्रोशिया 1 चेन 1 डबल क्रोशिया फिर से 1 चेन 1 डबल क्रोशिया 1 चेन 1 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इस पैटर्न के और इस पैटर्न के बीच में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 हमारे पास डबल क्रोशिया है। अब हम देखें इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 और यहाँ पर देखिए सेंटर में हम देखिए यहाँ पर हम सेंटर में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम देखिए ये हम स्किप करेंगे 3 चेन। देखिए 1, 2, 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और 4th डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया। फिर से हम यहाँ पर सेंटर में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बार और बनाएंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया। देखिए कुछ इस तरह से हमारा पैटर्न बनेगा। अब हम यहाँ पर 1 चेन 1 डबल क्रोशिया ये 1 चेन हमने बना ली 1 डबल क्रोशिया। हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये पहला हमने बना लिया, 2, 3, 4, 5 देखिए 5 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया सेंटर में बनाया, फिर से हमने 1 डबल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया 1 चेन 1 डबल क्रोशिया। तो इसे हम यहाँ तक देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक हम इसे बना लेते हैं 1 डबल क्रोशिया 1 चेन। देखिए हम राउंड के सेकंड पार्ट नेक्स्ट साइड आ गए हैं। यहाँ पर हम अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ये सात हमारे पास डबल क्रोशिया बचे हैं और यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पर हम सात डबल क्रोशिया के ऊपर सात डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन चेन वन डबल क्रोशिया। और अपना हम ये जो हमारी बटन पट्टी थी इसे भी हम बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए नेक्स्ट राउंड में हमने बटन पट्टी बना ली है और ये हमने यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया बनाया। अब देखिए धागा लेंगे और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पर सेंटर में हम दो डबल क्रोशिया, एक दो, और डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ सेंटर में हम दो डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से, और ये बचे हुए हम यहाँ पर बना लेते हैं अपने इस पैटर्न तक, यहाँ तक हम बना लेंगे। देखिए हम अब ये सेकंड पैटर्न पे आ गए हैं, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे चेन में, हम डबल क्रोशिया है ये, इसके ऊपर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चेन बनाएंगे। और देखिए यहाँ पर हम टू चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमारी वन चेन है, यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी हम वन डबल क्रोशिया। देखिए जैसे हमने यहाँ पर बनाया था सेम हमने यहाँ पर बनाया है। अब हम वन चेन लेंगे, वन डबल क्रोशिया, वन चेन, वन डबल क्रोशिया, वन चेन और ये वन डबल क्रोशिया। देखिए दोनों पैटर्न के बीच में हमारे पास तीन डबल क्रोशिया है। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया टू टाइम बनाएंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर थ्री चेन बनाएंगे, एक दो तीन, और देखिए यहाँ पर ये हमने डबल क्रोशिया बनाया था, इससे पहले हम यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, डबल नहीं बनाएंगे सिंगल इस तरह से। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी हम सिंगल क्रोशिया और साइड में भी हम सिंगल डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से हमने ये तीन सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब फिर से हम थ्री चेन लेंगे, देखिए तीन हमने चेन बना ली है। अब हम यहाँ पर एक दो तीन, तीन चेन हम स्किप करेंगे और फोर्थ चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से वन चेन के सेंटर में हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरह से, और फिर हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये पैटर्न बना है। अब हम यहाँ पर वन चेन वन डबल क्रोशिया, वन चेन वन डबल क्रोशिया और वन चेन, यहाँ पर हम वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया के साइड में हम देखिए सेंटर में जो हमने वन चेन का गैप लिया था यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे और दो चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया, फिर से दो बार यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम वन चेन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन चेन वन डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ इस पैटर्न तक बना लेते हैं। देखिए यहाँ तक हम आ गए हैं। अब हमने यहाँ वन चेन लिया है और एक डबल क्रोशिया बनाया। अब देखिए यहाँ पर भी हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और थ्री चेन बनाएंगे, एक दो तीन, और देखिए टू चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया, फिर से दो बार डबल क्रोशिया
और डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से वन चेन और वन डबल क्रोशिया। तो राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने बटन पट्टी बना ली है और चार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब धागा लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया, वन चेन की गैपिंग में हम दो बार डबल क्रोशिया, ये दो डबल क्रोशिया बनाया, फिर डबल क्रोशे के ऊपर हम डबल क्रोशिया, तो ये टोटल हमारे पास चार डबल क्रोशिया बन गया। अब हम यहाँ पर थ्री चेन बनाएंगे इस तरह से, और ये जो हमने तीन चेन बनाई थी इसके सेंटर में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए कुछ इस तरह से। फिर से तीन चेन बनाएंगे और यहाँ पर तीन चेन स्किप करेंगे और फोर्थ चेन में हम वन डबल क्रोशिया, एक और, ये दो, तीन और एक, ये चार, ये देखिए चार डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब यहाँ पर हम टू चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया, वन चेन, सॉरी यहाँ पर हम वन चेन लेंगे, यहाँ पर ये हमारा वन चेन, डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए हम अपने इस पैटर्न के यहाँ पर यहाँ तक बना लेते हैं। देखिए यहाँ हम आ गए हैं, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में हम दो डबल क्रोशिया, ये टोटल हमारे पास तीन डबल क्रोशिया बन जाएगा, और डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे चेन के सेंटर में, देखिए इस तरह से। फिर से हम तीन डबल क्रोशिया, सॉरी तीन चेन बनाएंगे और थ्री चेन स्किप करेंगे और फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया, फिर सेंटर में हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया, फिर वन चेन लेंगे और यहाँ पर हम, देखिए ये डबल क्रोशिया है हमारा, तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये वन चेन है तो यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया, इस तरह से। यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे और देखिए ये जो हमने तीन हाफ क्रोशिया बनाया था, देखिए ये तीन, तो यहाँ पर हम एक बार और बना लेंगे, तो ये टोटल हमारे पाँच हो जाएंगे। एक बार हमने बनाया, फिर से बनाएंगे, ये दो, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम और ये फाइव टाइम, देखिए फाइव टाइम हमने बना लिया है। फिर से यहाँ पर हम थ्री चेन बनाएंगे और थ्री चेन को हम स्किप करेंगे, फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया, ये वन चेन का सेंटर है, यहाँ पर भी हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से डबल क्रोशे के ऊपर हम डबल क्रोशिया, वन चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से यहाँ पर दो डबल क्रोशिया, डबल क्रोशे के ऊपर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया, थ्री चेन बनाएंगे, ये हमारी थ्री की चेन थी, यहाँ पर हम सेंटर में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन चेन बनाएंगे, थ्री चेन स्किप करेंगे, फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया, टू टाइम और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया। तो कुछ देखिए पैटर्न हमारा इस तरह से बनकर आएगा और अब हम इसे यहाँ तक बना लेते हैं। देखिए ये वाले डबल क्रोशिया बना लेते हैं, तो देखिए हमने यहाँ तक बना लिया है। अब डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया, एक टाइम बनाया, ये हमारा टू टाइम, और डबल क्रोशिया के ऊपर हम फिर से डबल क्रोशिया, कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर थ्री चेन बनाएंगे और जो ये हमने बीच में थ्री की चेन की गैपिंग ली थी, यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर से थ्री चेन, थ्री चेन को हम स्किप करेंगे और फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया, और यहाँ पर सेंटर में भी हम दो बार डबल क्रोशिया, इस तरह से।
और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, वन चेन वन डबल क्रोशिया, तो ये राउंड कम। देखिए अब ये हमारा पैटर्न जो हमने सेंटर में बनाया था, अब ये पैटर्न हमारा हाफ बन चुका है। अब इसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट को अलग करेंगे और बैक पार्ट को अलग करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसमें हमने देखिए बटन पट्टी हमने बना ली है और ये तीन डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पर वन चेन बनाएंगे और ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये सेंटर में दो चेन डबल क्रोशिया है तो इन्हें हम दो डबल क्रोशिया बना लेंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमें ध्यान रखना है जब हमारा ये पैटर्न हाफ बन जाएगा तब हमें इसके फ्रंट पार्ट को अलग करना है। तो अब यहाँ पर देखिए थ्री चेन बनाएंगे, एक दो तीन, और यहाँ पर देखिए ये जो डबल क्रोशिया बनाया है इसके फर्स्ट आगे यहाँ पर हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर भी हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ पर आगे भी हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पर थ्री चेन बनाएंगे, इस तरह से हमने थ्री चेन बनाई और थ्री चेन को हम स्किप करेंगे और फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया, वन टाइम बनाया, फिर से टू टाइम बनाया, एक बार और बनाया और ये हमारा डबल क्रोशिया, ये हमारा फोर टाइम हमने डबल क्रोशिया देखिए इस तरह से बना लिया है। अब देखिए ये हमारा जो हमने सेंटर में निशान लगाया था यहाँ पर हम ये तीन डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो देखिए ये हमने तीन डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम यहाँ पर इसे टर्न करेंगे इस तरह से और अब हम यहाँ पर वन चेन थ्री चेन बनाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर हम अब डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से डबल क्रोश वन चेन लेंगे, डबल क्रोशिया वन चेन वन डबल क्रोशिया इस तरह से। यहाँ पर हम टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया, थ्री चेन बनाएंगे, थ्री डबल क्रोशिया को हम स्किप करेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, ये हमारा फाइव टाइम, फिर से थ्री चेन और फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया बनाए। यहाँ पर हमने वन चेन की गैपिंग ली थी तो दो बार हम यहाँ बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया, वन चेन वन डबल क्रोशिया, ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए ये हमने बटन पट्टी बना ली है और अब हमने यहाँ पर वन डबल क्रोशिया बना लिया है, वन चेन वन डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर ये हमारा पैटर्न हाफ बन गया है, अब हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट देखिए किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम वन चेन लेंगे और यहाँ पर इस बार हम दो बार डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे तो यहाँ पर हम एक बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। यहाँ पर फिर से हम वन चेन बनाएंगे और देखिए ये टू चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया, देखिए कुछ इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग की थी सेम वैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे। ये वन डबल क्रोशिया हमने बनाया है तो यहाँ पर हम टू बार बनाएंगे, ये दो, एक बार और बनाएंगे, तो ये हमारा टोटल चार बार बन गया है। अब हम यहाँ पर थ्री चेन बनाएंगे, एक दो तीन, और देखिए ये वन चेन को हम स्किप करेंगे जो हमने यहाँ पर बनाई थी तो सेकंड चेन में हम यहाँ पर बनाएंगे, जैसे हमने पहले यहाँ पर तीन बनाई थी फिर हमने यहाँ पर पाँच बनाया था तो इस बार हमें तीन बनाना है। एक बार बना लिया, टू टाइम, थ्री टाइम, देखिए इस तरह से। अब फिर से तीन चेन बनाएंगे, धागा लेंगे और यहाँ पर हम तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया, दो, तीन, तीन हमने बना लिया। अब ये हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन चेन लेंगे,
और ये जो हमारी टू चेन हम स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन चेन वन डबल क्रोशिया, वन चेन वन डबल क्रोशिया, वन चेन और यहाँ पर भी हमारे पास वन डबल क्रोशिया। इस तरह से वर्क को टर्न करेंगे, यहाँ पर हम एक दो तीन चार, चार चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया, वन चेन वन डबल क्रोशिया, वन चेन वन डबल क्रोशिया, फिर से वन चेन। और अब हम देखिए यहाँ पर धागा लेंगे और यहाँ पर हम वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन चेन बनाएंगे, टू चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, दो तीन चार, देखिए तीन डबल क्रोशिया ये हाफ बनाने के बाद यहाँ पर हमने वन डबल क्रोशिया बनाया था। तीन चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए सेंटर में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में डबल क्रोशिया बनाया था, सेम वैसे ही थ्री चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, और फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाए, तो ये फोर टाइम हमारे डबल क्रोशिया बन गया। अब हम वन चेन लेंगे, टू चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया, वन चेन वन डबल क्रोशिया, राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से बना है। अब हम इसे देखें यहाँ पर आ गए हैं, वन चेन बना ली है, अब हम डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए टू चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया। अब देखिए हम यहाँ पर है तो यहाँ पर हमने थ्री चेन बनाई थी, तो थ्री चेन बनाएंगे और देखिए डबल क्रोशिया, सॉरी ये गलत बन गया है, यहाँ पर हम देखिए इस तरह से बनाएंगे वन डबल क्रोशिया, यहाँ पर हम थ्री टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरह से थ्री चेन, फिर यहाँ पर हम थ्री टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन और फोर्थ डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे। अब हम यहाँ पर वन चेन लेंगे और फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन चेन लेंगे वन डबल क्रोशिया और राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए ये हमने छह डबल क्रोशिया बना लिया है, वन चेन बनाए, ये हमारा सात, ये हमने बना लिया है सात डबल क्रोशिया, वन चेन बनाएंगे और यहाँ पर जो हमने थ्री चेन बनाई थी यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, तीन हमने बना लिया है और फोर्थ हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग की थी सेम वैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे, वन चेन लेंगे, टू चेन की गैपिंग करेंगे और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर फिर से हम वन चेन वन डबल क्रोशिया और इस तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया है, वन चेन बना ली, अब हम यहाँ पर वन डबल क्रोशिया, वन चेन टू चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया, वन चेन वन डबल क्रोशिया, फिर से वन चेन वन डबल क्रोशिया, 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 वन चेन वन डबल क्रोशिया।
तो देखिए ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट होने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। देखिए ये इस तरह से, अब हमने देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो हमने इसकी बनाई है, हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैं दो राउंड और कंप्लीट कर लेती हूँ इसके बनाकर, वन डबल क्रोशिया वन डबल क्रोशिया, इस तरह से हम ये दो राउंड बना लेते हैं। देखिए ये तीन राउंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, देखिए एक दो तीन। अब हम इसके ऊपर यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे, तो देखिए किस तरह से थ्री चेन बनाएंगे, यहाँ पर हम थ्री चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर, फोर चेन हमने यहाँ पर बनाई। यहाँ पर हम डबल क्रोशिया, वन चेन डबल क्रोशिया वन चेन, देखिए यहाँ से हम सात डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ पर हम सात डबल क्रोशिए को स्किप करेंगे, और इतने ये देखिए हमारे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ डबल क्रोशिए को हम बनाएंगे। तो फिर से बनाएंगे, वन चेन वन डबल क्रोशिया वन चेन वन डबल क्रोशिया वन चेन, देखिए सात यहाँ पर। अब देखिए ये हमारे जो डबल क्रोशिया हैं बार बार हमें इन्हीं के ऊपर बनाना है, ये हमारा गला बन गया। अब हम यहाँ पर टर्न करेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, वन चेन वन डबल क्रोशिया। तो हम इसके टोटल सिक्स राउंड कंप्लीट करेंगे, ये हमारा सेकंड है, तो ये फर्स्ट सेकंड और फोर राउंड और, ये मैं टोटल सिक्स राउंड बनाकर कंप्लीट करूँगी। देखिए ये हमारे सिक्स राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, और बनने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अब यहाँ पर हम धागा कट करेंगे, और जैसे हमने ये वाला पार्ट बनाया है सेम वैसे ही हम दूसरा फ्रंट पार्ट बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, सेम ऐसे ही बनेगा वो भी हमारा। देखिए दोनों पार्ट हमारे बनकर कंप्लीट हो चुके हैं, और देखिए कुछ इनका लुक इस तरह से आया है, और देखिए कितना प्यारा हमारा ये पैटर्न बनकर आया है। अब हम इसका बैक बनाएंगे, बैक में देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से ये हमारा कुछ इसका लुक इस तरह से आएगा। फ्रंट में हमारे एक एक पार्ट बनकर आया है, और अब हम इसका बैक बनाएंगे। तो बैक में हम स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए हम यहाँ से धागा इसमें ज्वाइंट करेंगे, यहाँ पर हम चार चेन बनाएंगे इस तरह से, टू थ्री फोर, और यहाँ पर देखिए वन चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिए में हम डबल क्रोशिया वन चेन वन डबल क्रोशिया, देखिए अब यहाँ पर हम ये डबल क्रोशिया हमने बना लिया है, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन चेन वन डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से ये हमारे पास चार डबल क्रोशिया बन गए हैं। देखिए यहाँ पर हमने वन डबल क्रोशिया बना लिया है, अब टू बनाएंगे, फिर से बनाएंगे, ये फोर डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम यहाँ पर थ्री चेन बनाएंगे, वन टू थ्री, और अब हम इसे यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, थ्री टाइम बनाएंगे, वन टाइम हमारा बन गया है, ये हमारा टू टाइम, फिर से थ्री टाइम, ये देखिए टोटल हमने थ्री टाइम बनाया। अब फिर से हम यहाँ पर थ्री चेन बनाएंगे, धागा लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे,
इस तरह से धागा लेंगे। और देखिए यहाँ पर सेंटर में ये जो दो हमारे पैटर्न हैं इनके बीच में यहाँ पर देखिए हमारे पास ये वन चेन की गैपिंग बची हुई है। यहाँ पर ये देखिए एक मिनट, यहाँ पर तो हमारे पैटर्न ये हमारा बढ़ेगा और ये हमारा हाफ़ पैटर्न बन चुका था, तो इसे हम यहाँ पर बंद करेंगे पैटर्न को। तो ये वाला पार्ट है हम यहाँ नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पर बनाएंगे और बीच में हम फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से एक बार हमने बना लिया है, ये हमारा दो, यहाँ पर वन चेन में हम दो बार डबल क्रोशिया बनाते हैं, तो ये हमने बना लिया, ये तीन बन गए और डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया। देखिए ये तो हमारा पैटर्न बन, देखिए ये वाला साइड में जो हमारा पैटर्न है वो, अब ये हमारा पैटर्न हाफ़ बन चुका था, तो इसमें अब हम यहाँ पर पैटर्न को कम करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर वन चेन बनाएंगे, टू चेन को हम स्किप करेंगे, देखिए वन टू, और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक बार और बनाएंगे, ये थ्री टाइम हमारा डबल क्रोशिया बन गया। अब हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे और देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे और सेकंड चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, देखिए इस तरह से। फिर से हम वन चेन स्किप करेंगे, थ्री चेन बनाई हमने, वन चेन स्किप करेंगे और यहाँ पर हम तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये टोटल हमारे चार बन गए। तो देखिए इस तरह से पैटर्न बना हमारा। अब यहाँ पर हम वन चेन बनाएंगे, तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया, टू चेन स्किप की है हमने, और ये हमारे यहाँ पर भी सेंटर में हमारे पास ये वन चेन बची हुई है, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया, वन चेन लेंगे, यहाँ पर हम वन चेन बनाई, टू थ्री, ये देखिए हमने थ्री टाइम यहाँ पर चेन बनाई है। तो यहाँ पर हम देखिए ये जो हमने वन डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया वन टाइम, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे टू टाइम, फिर से यहाँ पर वन टाइम। तो देखिए यहाँ पर भी हमने तीन बार बनाया था इस पैटर्न में, तीन बार हमने यहाँ पर बनाया है और तीन बार हमने यहाँ पर, देखिए कुछ इस तरह से थ्री टाइम थ्री टाइम थ्री टाइम। अब हम यहाँ पर आगे बनाएंगे, वन टू थ्री, थ्री चेन बनाएंगे, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया, ये थ्री डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया वन टाइम, फिर चेन के अंदर टू टाइम बनाएंगे, ये हमारा फोर टाइम। अब वन चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया, वन चेन, वन डबल क्रोशिया, देखिए थ्री चेन बनाएंगे, सॉरी फोर चेन बनेगी, यहाँ पर हमारे पास फोर चेन बनेगी। तो ये तीन डबल क्रोशिया की हाइट की, वन हमारे गैपिंग के लिए। तो नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, अब यहाँ पर भी हम टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, टू टाइम डबल क्रोशिया, एक हम इसके ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, वन चेन, टू, थ्री, और यहाँ पर देखिए ये हम थ्री चेन ये स्किप करेंगे और थ्री यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखिए ये हमने थ्री बनाई थी, तो इस राउंड में हम यहाँ पर फाइव बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर, फाइव, देखिए ये फाइव टाइम हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से थ्री चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए ये थ्री चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम इस तरह से, अब हम यहाँ पर सेंटर में दो डबल क्रोशिया, एक हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया,
ये देखिए ये पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से, ये हमारा हाफ पैटर्न बन गया है। अब हम यहाँ पर वन चेन लेंगे और यहाँ पर देखिए टू चेन स्किप करेंगे और यहाँ डबल क्रोशिया और थ्री टाइम हम यहाँ पर बनाएंगे, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम। अब देखिए हमने नीचे यहाँ डबल क्रोशिया बनाया था तो थ्री चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया, इस तरह से थ्री चेन और यहाँ पर हम थ्री टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टाइम, टू टाइम, थ्री, और एक हम यहाँ पर, ये चार डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर वन चेन लेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से यहाँ टू टाइम बनाएंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया में हम डबल क्रोशिया, तो देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर थ्री टाइम चेन बनाएंगे, वन टू थ्री, और अब ये थ्री है हमारा, यहाँ पर हम फाइव टाइम बनाएंगे, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम और यहाँ पर साइड में फाइव टाइम, थ्री चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया। और अब हम यहाँ पर देखिए टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हमने टू टाइम बनाया, फिर ये हमारा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन चेन लेंगे और ये देखिए ये हमने यहाँ पर फोर की चेन बनाई थी तो वन चेन स्किप करेंगे और सेकंड चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरह से राउंड को टर्न करेंगे। अब हम यहाँ पर फोर टाइम चेन बनाएंगे, वन टाइम बनाया, टू टाइम, थ्री, फोर। अब हम देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब देखिए ये हमारा हाफ पैटर्न बन चुका है, देखिए कुछ इस तरह से हमारा पैटर्न बनकर आया है। अब ये हमारा हाफ पैटर्न ये बना है, हाफ हमारा ये बना है। अब हम इसके ऊपर देखिए, अब हम इसको बंद करेंगे तो किस तरह से, देखिए यहाँ पर हम डबल क्रोशिया, वन चेन, अब हम यहाँ पर टू चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया और यहाँ पर हम थ्री टाइम बनाएंगे, वन टाइम, टू, थ्री, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम थ्री चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए वन चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया, पहले हमने पांच बनाए थे तो अब हम यहाँ पर तीन बनाएंगे, ये टू, थ्री, फिर से थ्री चेन बनाएंगे, वन, टू, थ्री, धागा लेंगे और यहाँ पर हम देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे, थ्री टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये वन, टू, थ्री और एक बार हम यहाँ बनाएंगे, ये चार टाइम हो गए हमारे पास। अब हम यहाँ पर वन चेन लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, टू चेन स्किप किया और यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया, वन चेन लेंगे और अब यहाँ पर देखिए हम कोई भी डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, वन चेन लेंगे और ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो देखिए कुछ इस तरह से, फिर से वन चेन लेंगे और हम यहाँ पर डबल क्रोशिया, अब यहाँ पर हम दो, तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो बन गए, तीन, चार, यहाँ पर हम थ्री चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन और यहाँ पर हम थ्री टाइम डबल क्रोशिया, दो,
तीन, देखिए इस तरह से वन चेन लेंगे, टू चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया, ये हमारे चार टाइम हो गया, वन चेन यहाँ पर डबल क्रोशिया, वन चेन डबल क्रोशिया, वन चेन डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनेगा। अब यहाँ पर हम थ्री टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, टू टाइम थ्री टाइम, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे और ये देखिए यहाँ पर हम थ्री टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम, एक दो तीन, और यहाँ पर हम तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये दो तीन, और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पर वन चेन लेंगे, टू चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया, वन चेन, और यहाँ पर भी हमारा थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए ये राउंड हमारा कुछ इस तरह से बनकर आएगा। अब हम यहाँ पर चार चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार, टर्न करेंगे, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया, वन चेन, और यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया, वन चेन, टू डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और थर्ड डबल क्रोशिया में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी हम थ्री टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, थ्री चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास थ्री डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया है, तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर से थ्री चेन, और यहाँ पर हम थ्री डबल क्रोशिया, वन टाइम टू टाइम थ्री, और एक यहाँ पर हम डबल क्रोशिया, ये तो हमारे टोटल चार डबल क्रोशिया बन गया, देखिए इस तरह से। वन चेन, यहाँ पर हम वन डबल क्रोशिया, टू चेन स्किप किए हमने, यहाँ पर वन चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाया, वन चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया, वन चेन, और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, कुछ देखिए इस तरह से। वन चेन लेंगे, टू चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया, और जो ये हमने थ्री चेन बनाई है यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया, जो सेंटर में हमने फ्लावर पैटर्न बनाया था अपना, अब वो हमारा ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, देखिए इस तरह से। देखिए ये अब हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है, अब हम आगे बनाएंगे। वन चेन, टू चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया, वन चेन, डबल क्रोशिया, वन चेन, डबल क्रोशिया, वन चेन, डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से, फिर से वन चेन, और फर्स्ट डबल क्रोशिया में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन चेन बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर वन चेन नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम थ्री टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये टू टाइम थ्री टाइम, ये फोर, देखिए यहाँ पर अब हम थ्री टाइम चेन बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर सेंटर में हम डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर से हम यहाँ पर थ्री चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम थ्री टाइम डबल क्रोशिया, इस
तरह से। और यहाँ पर यह देखिए हमारा डबल क्रोशिया है फर्स्ट, तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया, वन चेन लेंगे और यहाँ पर हम टू चेन स्किप करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन चेन यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर से वन चेन और यहाँ पर हम थर्ड चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से, अब यहाँ पर हम चार डबल क्रोशिया चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया, वन चेन, डबल क्रोशिया, वन चेन, डबल क्रोशिया, वन चेन, यहाँ पर देखिए टू चेन हम स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया, वन टाइम, टू, थ्री, फोर। देखिए इस तरह से, अब यहाँ पर हम टू चेन बनाएंगे, थ्री चेन बनाई, यहाँ पर हम फिर से फोर टाइम डबल क्रोशिया बनेगा, वन, टू, थ्री, और यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया। वन चेन, टू चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया, वन चेन, डबल क्रोशिया, वन चेन, डबल क्रोशिया, वन चेन, डबल क्रोशिया, वन चेन, फिर से डबल क्रोशिया, वन चेन, यहाँ पर इस तरह से वन चेन बनाएंगे, टू चेन हम स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से, तो हम यहाँ पर बनाते हुए आ जाते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर वन चेन बनाएंगे और यहाँ डबल क्रोशिया, फिर से वन चेन, टू चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम वन हमारा बन गया, थ्री टाइम और डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम थ्री चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए वन चेन, वन डबल क्रोशिया, वन चेन, वन डबल क्रोशिया, वन चेन, वन डबल क्रोशिया, वन चेन, और यहाँ पर देखिए हम फोर्थ में डबल क्रोशिया। तो देखिए अब हमारे ये पैटर्न बनकर कंप्लीट हो चुके हैं और देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अब नेक्स्ट राउंड में हम हर एक सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल डबल क्रोशिया, यहाँ पर देखिए इस पैटर्न के यहाँ पर हम चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये सिंगल डबल क्रोशिया, हर एक चेन बीच में वन चेन के गैपिंग और डबल क्रोशिया, और यहाँ पर हम चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम तीन राउंड में, जैसे हमने यहाँ पर देखिए ये थ्री राउंड हमने देखिए यहाँ पर कंप्लीट किया था, वन, टू, थ्री, हर एक चेन में एक एक सिंगल डबल क्रोशिया और वन चेन की गैपिंग करते हुए हमने ये थ्री राउंड कंप्लीट किए थे। सेम वैसे ही हम यहाँ पर भी थ्री राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर आगे आपको देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसकी देखिए बैक के गले की कटिंग करेंगे, तो देखिए किस तरह से, यहाँ पर हम फोर चेन बनाएंगे, वन, टू, थ्री, फोर, टर्न करेंगे, धागा लेंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया, वन चेन, डबल क्रोशिया, वन चेन, डबल क्रोशिया, यहाँ पर हम 10 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए 10 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बना लिया है। अब हम इसमें थ्री चेन बनाएंगे, फोर चेन बनाएंगे, वन, टू, थ्री, फोर, और यहाँ पर इसे टर्न करेंगे और हर एक चेन के ऊपर, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे।
देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर फिर से फोर चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया, वन चेन, वन डबल क्रोशिया, वन चेन, वन डबल क्रोशिया, वन चेन, धागा लेंगे, वन डबल क्रोशिया, वन चेन। तो इस तरह से हम बनाते हुए यहाँ ये हमारा बनाएंगे। देखिए इस तरह से वन चेन, वन डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर हम वन डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तो यहाँ पर हम बनाएंगे, ये हम अपने गले को गोलाई देने के लिए यहाँ पर देखिए हमने ये वाले डबल क्रोशे को स्किप किया है, इस वाले को। अब यहाँ पर फिर से हम चार चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखिए इसमें चार राउंड और इसी तरह से बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा सेकंड राउंड है। देखिए ये दो राउंड के बाद हमने यहाँ पर एक चेन डबल क्रोशिया स्किप किया था और दो राउंड हमने सिंपल बनाए हैं। तो अब हम इसके ऊपर चार राउंड और बना लेते हैं। तो ये हमारी देखिए ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसकी लंबाई तक हम इसे बना लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे ज्वाइंट करेंगे और हम इस तरह से नापते हुए इसकी लंबाई तक हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये हमारे फोर राउंड है, तो ये फोर राउंड तक मैं इसे बना लेती हूँ। देखिए ये हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी देखिए यहाँ ऊपर से इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा राइट साइड है और इसमें हम राइट साइड कैसे देखेंगे, तो देखिए जब हमने स्टार्टिंग की थी तो ये हमारा राइट साइड था और देखिए ये रॉन्ग साइड है। यहाँ से पता चलेगा कि राइट किस साइड है और रॉन्ग किस साइड। तो ये हमारा राइट साइड है, तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर इसे ज्वाइंट करेंगे। देखिए ये जो हमने चेन फोर डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पर हम चेन के अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे और नेक्स्ट के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, वन चेन बनाएंगे, नेक्स्ट, ये देखिए ये हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ इसके अंदर डालेंगे और इसके नेक्स्ट के, इस तरह से हम इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर से वन चेन बनाएंगे डबल क्रोशिया की चेन में और नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चेन हुक में डालेंगे और इस तरह से फिर से वन चेन, तो इस तरह से बनाते हुए हम इसे ज्वाइंट करके कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये राउंड हमने इसे ज्वाइंट कर लिया है और ज्वाइंट करने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से बनकर आया है। ये देखिए इसी तरह से हम सेकंड पार्ट को भी बनाकर ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए दोनों पार्ट को हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसकी देखिए ये दोनों पार्ट हमारे ज्वाइंट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर बाजू पर इसके किनारी करेंगे। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, धागा लेंगे और यहाँ पर हम थ्री टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हमारी चेन और तीन हम डबल क्रोशिया, तो टोटल चार हो जाएंगे। ये हमने थ्री टाइम बनाया और ये हमारा फोर टाइम हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए ये जहाँ पर हमारे डबल क्रोशिया हमने बनाया था यहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट करेंगे, तीन चेन बनाएंगे और चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन चार, इस तरह से फिर से यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट करेंगे सिंगल क्रोशे के साथ, थ्री चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम फिर से डबल क्रोशिया, तीन
चार और यहाँ पर इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर से यही पैटर्न हम रिपीट करते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से किनारे हमने बना ली है और बनाने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। और सेकंड बाजू में भी हमने इसी तरह से देखिए ये किनारी बनाई है। अब हम इसके गले पर बनाएंगे, सेम यही किनारी हम गले पर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम जो ये हम फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम ये धागा ज्वाइंट करेंगे। चार तीन चेन बनाएंगे और चार बार हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये दो हमने बना लिया, तीन चार। और अब हम यहाँ पर देखिए एक दो तीन, तीन चेन स्किप करेंगे और फोर्थ चेन में हम इसे इस तरह से स्लिप स्टिच के सिंगल क्रोशे की हेल्प से ज्वाइंट करेंगे और तीन चेन बनाएंगे। सेम प्लेस पर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो बार बन गया है, तीन चार। और फिर हम इसे यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, हर थर्ड चेन में इसे हम ज्वाइंट करेंगे। फिर से यहीं पर हम तीन चेन बनाएंगे और तीन डबल क्रोशिया, टोटल चार हो जाएंगे हमारे। फिर से थर्ड चेन में हम इसे यहाँ पर सिंगल क्रोशे की हेल्प से ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए गले की भी किनारी हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और देखिए कुछ इस तरह से बनकर आई है हमारी गले की पट्टी। अब देखिए इसे हम यहाँ पर इस तरह से सेटिंग करेंगे इसकी। देखिए सेट करने के बाद अब हम इसकी यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट डबल क्रोशिया के साथ फर्स्ट डबल क्रोशिया ज्वाइंट करेंगे और यहाँ पर हम इसे स्टिच करेंगे। और धागे को हम यहाँ पर कट करेंगे। तो देखिए अब हमारी ये चोली बनकर कुछ इस तरह से बनी है और बनने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। और ये आप चाहे तो इसे हम फ्रंट पार्ट भी रख सकते हैं या बैक में भी। और देखिए इसका सेकंड पार्ट ये देखिए इस तरह से, ये इसका बैक का पार्ट है। या आप इसे बैक का बनाएं या फ्रंट का पार्ट बनाएं, इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।